और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टोंक के सोहन लाल को बंधक बनाया गया। ये बड़ी जानकारी, सऊदी अरब के यमू में बंधक बनाया गया है, 25 भारतीय मजदूरों को बंधक बनाया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी, वीजा रिन्यूअल नहीं होने से बंधक बनाया गया है। सोहनलाल की तबीयत बिगड़ने से परिजन बेहद परेशान हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको तक पहुंचा रहे हैं। टोंक के सोहनलाल को बंधक बनाया गया और उन्हीं के साथ कई अन्य मजदूर भी हैं जिन्हें सऊदी अरब में बंधक बनाया गया है। तो परिजन अब बेहद परेशान हैं क्योंकि लगातार सोहनलाल की तबीयत बिगड़ रही है, जिसको लेकर परिजन अब बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं और सकुशल घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। टोंक के सोहन लाल को बंधक बनाया गया है, सऊदी अरब के यमू में बंधक बनाया गया। इसके साथ ही 25 मजदूर वहां पर हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है और वीजा रिमूवल नहीं होने को लेकर यह बंधक बनाया गया है। तो वीजा रिन्यूअल नहीं होने से बंधक बनाया गया है और परिजन अब बेहद परेशान हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सोहन लाल को अपने देश वापस सुरक्षित भेज दिया जाए। और वजाद अख्तर हमारे संवाददाता टोंक से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह उन्हें ये जानकारी मिली और कुल कितने मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, किस तरह की स्थिति है? टोंक के हरचंदेड़ा गांव का एक श्रमिक था। 2017 में ये श्रमिक सोहनलाल बेरवा जो है वो मजदूरी और हेल्परी का काम करने के लिए सऊदी अरब के यांबू शहर गया था। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें यहां पर आ रही हैं, जिस तरीके की सूचना हमें मिली है, जिस तरीके की जानकारी परिजनों ने दी है, उनका कहना यह है कि पिछले करीब 3 साल से जो सोहनलाल हैं वो टोंक अपने वतन नहीं लौट सके हैं। उनके बच्चे की अभी शादी थी 16 मई को, उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाए। घर वालों का कहना यह है कि काफ़ी दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी लास्ट बार, उसके बाद जो उनके साथ के रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर, उनका कहना है कि सोहनलाल की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब है, वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब घर वाले जो हैं वो परेशान हैं, उनका परेशान होना लाजमी है क्योंकि घर वालों को चिंता सता रही है कि वो किस हाल में वहाँ पर होंगे। इसको लेकर अब जिला प्रशासन प्रोएक्टिव हो गया है, कलेक्टर जो हैं चिन्मयी गोपाल, जिला कलेक्टर प्रोएक्टिव उस मामले को लेकर नजर आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सोहनलाल है उनके परिजनों से गाँव जाकर मुलाकात की है, इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सऊदी उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पूरे मामले की जानकारी भेज दी गई है और प्रशासन जो है वो वहां पर जो बंधक बनाया गया श्रमिक है उसकी पूरी मदद करने को यहां पर तैयार है। जी मोनिका वजाद, इसके साथ ही ये भी बताएं कि परिजनों का अभी क्या कुछ कहना है, किस तरह की मांग कर रहे हैं परिजन? जी देखिए, बिल्कुल परिजन जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि बातचीत उनकी बिल्कुल भी सोहनलाल से नहीं हो पा रही है। काफ़ी टाइम पहले बातचीत उनकी हुई थी जब उन्होंने कहा था कि उनकी 16 मई को बच्ची की शादी है, उसमें वो ज़रूर करने की कोशिश की जाती है। तो उनके जो साथ वाले लोग वो फोन उठाते हैं, उन्होंने बताया कि पहले उनको एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था जहां पर लगातार उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया है जहां पर वो बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। उनके साथ वाले जो लोग हैं वो लगातार, हालांकि यहां परिजनों से संपर्क साधे हुए हैं, ऐसे में परिवारजनों को यही चिंता सता रही है कि अब उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी हालत कैसी है और उनकी वतन वापसी की कब हो पाएगी। क्योंकि जिस तरीके की पूरी बात सामने आई है कि टोंक के जो सोहनलाल हैं उन समेत भारतीय 25 नागरिक जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनका आरोप ये है कि वहां पर जो वहाँ के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम करने गए थे उन्होंने वहाँ पर उनके दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, उनका जो वीजा है वो रिन्यूअल नहीं कराया गया है, उनको बंधक बनाकर उनसे बंधुआ मजदूरी की कराई जा रही है। घर वालों का यह भी कहना है कि काफी समय पहले से जो तनख्वाह है जो भेजते थे सोहनलाल वो भी उनको नहीं मिल रही है क्योंकि कंपनी ने उनको तनख्वाह देनी बंद कर दी है और उनसे बंधुआ मजदूरी वहां पर कराई जा रही है। ऐसे में घर वालों के सामने भी फाकाकशी की नौबत यहाँ पर आ गई है और इसके साथ साथ घर वालों का जो है कर्ज और देनदारी काफी बढ़ गई है फिलहाल। लेकिन घर वालों की चिंता यह है कि जो सोहनलाल हैं वो सकुशल अपने वतन अपने घर टोंक वापस लौट सकें। जी मोनिका, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।